मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां माइलस्टोन 104 के पास खड़ी एक बस और टैंकर की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जिस बस का एक्सीडेंट हुआ वो बिहार से दिल्ली जा रही थी। थाना यमुना पार इलाके के यमुना एक्सप्रेस पर डीजल खत्म होने के बाद बस खड़ी हुई थी। इसी बीच तेज गति से आते हुए एक टैंकर ने बस को टक्कर मार दी। हम बिल्कुल ठोकते हुए सबको घायल करते हुए चला गया। उसमें से 3 हम लोग में से 3 जो था वो 3 का संग संग स्पॉट डेड हो गया, बाकी 10-12 घायल हो गया। उसमें से जो जो हम लोग के हाथ लगा जितने जल्दी हुआ हम लोग लेके हॉस्पिटल गए। अब यहाँ से बोल रहे हैं रिफर कर। कितने बजे की घटना है सुबह की? ये सुबह 7 से 7:30 के बीच। आगे पेट्रोल पंप है, ठीक है, हम जाएंगे वहाँ से तेल लेके आएंगे, उसके बाद जाएगा गाड़ी यहाँ से। तो ये ड्राइवर क्या क्या साइड में गाड़ी लगा दिया। साइड में गाड़ी लगाने के बाद जो है क्या होता है, ड्राइवर चला गया पेट्रोल लाने के लिए, तो आदमी लोग जो क्या 2-4-5 आदमी निकल के बाहर में हवा हवा लगा रहा था साइड में खड़े होके। इतने में क्या हुआ, हम भी आगे केबिन में बैठे हुए थे, ठीक है, पीछे से आया गाड़ी, वो बड़ी वाली ट्रक जो देख रहे, पीछे से आया और धक्का मार दिया जो पीछे आदमी था, और वो केबिन के नीचे जो पीछे धक्का मारा, नीचे से आदमी गिरा, जो अंदर बैठा था आदमी नीचे से गिरा। मतलब 7-8 बंदे हमारा घायल हुआ, 3 बंदे एक्सपायर कर गए अभी स्पॉट डेट में, ठीक है सर। बस यही है, जो बंदे एक्सपायर कर गए उसको जल्दी से जल्दी बढ़िया से बढ़िया। तो ये गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी सर कटिहार जिले से, जगदेशपुर पंचायत से पेट्रोल पंप से निकला है। कहाँ जा रही थी ये? दिल्ली जा रही थी, द्वारका। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में अधिकारियों ने कहा कि मृतकों के परिवार वालों को हादसे की जानकारी दे दी गई है। आज सुबह लगभग 7:15 बजे यमुना एक्सप्रेस वे पर फिगर नंबर 105 के पास कटिहार से दिल्ली जा रही एक बस जो डीजल खत्म होने के कारण रोड के किनारे खड़ी थी, पीछे से एक कैंटर चालक ने उसमें टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप 4 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, 8 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है, आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। एक बस और कैंटर में भिड़ंत हुई है। बताया गया कि बस खड़ी थी और पीछे से कैंटर ने आग मारा। कैंटर के 2 लोग घायल हैं, कैंटर में जो थे आगे की तरफ, और एक की समोता डेथ हो गई, और 6 लोग बस में जो बैठे थे वो घायल हैं, जो यहाँ पर जिला अस्पताल में आए हुए हैं। बस के का एक मरीज जो है वो सीरियस है, और कैंटर का एक मरीज राहुल है वो सीरियस है, उसको रेफर मेडिकल कॉलेज के लिए किया गया है। बाकी का फर्स्ट एड और इलाज यहाँ पे चल रहा है। कुल मिला के 4 कैजुअलिटी कहाँ के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल मरीजों को दूसरी जगह रेफर कर दिया है। मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट।